हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन राधेश्याम कोचिंग क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 4। इसके अंदर हम पढ़ेंगे वेग को प्रभावित करने वाले कारक। जो अभिक्रिया का वेग होता है, हमने पढ़ा ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जो फैक्टर अफेक्टिंग हैं ROR के, वो कौन कौन से हैं प्रभावित करने वाले कारक, उनके बारे में आज के पूरे वीडियो के हम अध्ययन करेंगे। तो ROR को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, उसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं हूँ राधेश्याम प्रजापत, आप देख रहे हैं राधेश्याम कोचिंग क्लासेज। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला इसके अंदर जो कारक आएगा अपना, वो आएगा कंसंट्रेशन। ठीक है, जो अपना फर्स्ट कारक है प्रभावित करने वाला, वो है सांद्रता। ठीक है ना, पहला है सांद्रता। अब सांद्रता कैसे प्रभावित करेगी, तो हमने पढ़ा था कि जो ROR होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वो समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता। कुछ भी ले सकते हो, अभिकारकों की सांद्रता, जो भी हम यहाँ पर कोई भी रिएक्शन के लिए ले रहे हैं। माना कोई भी रिएक्शन के अंदर दो अभिकारक थे, ए और बी, तो यहाँ पर जो ROR होता है वो समानुपाती होता है ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई। वेग नियम में हमने पढ़ा था। तो देखो, इसका मतलब कि जो ROR है वो समानुपाती होगा अभिकारकों की सांद्रता के। यानी कि जब हम सांद्रता बढ़ाएंगे तो ROR भी बढ़ेगा। तो सब देखो, जैसे कि कोई भी रिएक्शन है ए से बी, ठीक है, तो ए की माना सांद्रता पहले थी 5। मैं आपको एक एग्जांपल्स के द्वारा समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये कोई ए था, इसके 5 अणु थे, यानी कि 5 थी इसकी सांद्रता। यहाँ पर देखो, ये इतने इसके मॉलिक्यूल्स थे छोटे छोटे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये इतने मॉलिक्यूल्स थे, इनकी जो टक्कर होती थी आपस में, ये टक्करें होगी एक दूसरे में। जब टक्कर होती है तभी उत्पाद का निर्माण होता है, प्रभावी टक्कर होगी तब उत्पाद का निर्माण होता है। जो टक्कर का जो पोर्शन है वो इस साल सिलेबस में नहीं है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए। तो देखो यहाँ पर कितने 5 या 6 मॉलिक्यूल्स है एक, यानी कि जो 5 ए की सांद्रता है वो 5 है माना, ठीक है। तो यहाँ पर जो टक्कर होगी 5 मॉलिक्यूल में, वो इतनी ज़्यादा प्रभावी नहीं होगी। होगी टक्कर, लेकिन एक दो टक्कर हो जाएगी और थोड़ा सा उत्पाद बन जाएगा। लेकिन जब हम इसकी सांद्रता बढ़ेंगी, जैसे कि अब यहाँ पर देखो 5 थी, अब हमने इसकी सांद्रता कर दी 20, इसके अब कितने हो गए 20 मॉलिक्यूल्स हो गए। अब इनके मध्य टक्कर ज़्यादा होगी कि पहले ज़्यादा हो रही थी, अब टक्कर ज़्यादा होगी, टक्कर ज़्यादा होगी तो उत्पाद भी क्या बनेगा ज़्यादा, इसका मतलब अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। अरे भाई, जैसे कि एक बाड़ा है, उसके अंदर 10 लोगों को खड़ा किया और आंखों पर पट्टी बांधती, फिर उसको कहा आप गति करो एक, तो सब गति करेंगे तो एक दूसरे के टक्कर खाएंगे, तो टक्कर इतनी ज़्यादा थोड़ी होगी, जितनी 10 लोगों में हो रही तो इतनी ज़्यादा टक्कर होगी नहीं। अब एक बार बोल दिया आपको कि बाड़े के अंदर 50 लोग हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बांधो, तो टक्कर भाई ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, 50 लोग एक दूसरे से ज़्यादा टक्कर करेंगे 10 की तुलना में। तो यानी कि जब सांद्रता हम बढ़ाते हैं, कंसंट्रेशन जब हम बढ़ाएंगे किसी भी अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर, इसका जो ये तीर है वो है इसका मतलब बढ़ाना, तो जो उसका ROR है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो भी बढ़ जाता है। ये है सांद्रता के अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं कि भाई किसी भी अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर उसकी अभिक्रिया का जो वेग है ROR वो बढ़ जाता है। इसकी लैंग्वेज आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगी। अब जो दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग है वो क्या है, उसके बारे में देखते हो, या तो आप समझ गए होंगे। तो दूसरा जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो लेते हैं हम टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा कौन सा है, टेम्परेचर, ताप। ताप के ऊपर कैसे डिपेंड करती है कोई भी अभिक्रिया का वेग। तो देखो, सामान्यतः एक प्रायोगिक सत्यापन के अंदर ये देखा गया है, क्या एक प्रैक्टिकल किया गया है, उसमें ये देखा गया कि कोई भी अभिक्रिया हो, कोई भी अभिक्रिया, जरूरी नहीं कि एक फिक्स अभिक्रिया ये ही होनी चाहिए, कोई भी अभिक्रिया हो, अगर उसका हम ताप कितना 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा देते हैं, बढ़ाने पर कोई भी रिएक्शन है, प्रायोगिक है, ठीक है ना, बढ़ाने पर जो उस अभिक्रिया का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, अभिक्रिया का वेग होता है, वो ROR सामान्यतः कितना हो जाता है, 2 से 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल में देखा गया है कि कोई भी रिएक्शन है उसका अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हम अगर ताप उसका बढ़ा दें, उसको टेम्परेचर दे दें, तो उस अभिक्रिया का जो वेग है वो 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। तो ताप पे किस प्रकार डिपेंड करेगी कि कोई भी अभिक्रिया जिसका हम ताप बढ़ाएंगे तो उसका वेग बढ़ेगा, सांद्रता बढ़ेगी तो भी वेग बढ़ेगा। ये दो फैक्टर तो हो गए कंप्लीट। अब उसके बाद आता है तीसरा फैक्टर, क्या है
उसके बाद अपना जो नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग है वो है भौतिक अवस्था, अभिकारकों की भौतिक अवस्था, अभिकारकों की फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारकों की भौतिक अवस्था। तो इसमें क्या होगा कि जो आर ओ आर है, देखो भौतिक अवस्था कौन कौन सी होती है आपको पता है, एक होती है गैस, दूसरी होती है द्रव, तीसरी होती है ठोस। तो आपको बताना ये है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो गैस में ज्यादा होगा या द्रव में होगा या ठोस में होगा। तो सिंपल सा दिमाग लगाना है यहाँ पर, ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, आप खुद लगा सकते हो दिमाग इसमें कि देखो जो गैस होगा, जब गैस में होंगे तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मध्य टक्कर क्या होगी, ज्यादा होगी। कैसे, देखो जैसे कि गैसेस में क्या होता है, देखो ये अपने एक डिब्बा लेते हैं, ठीक है, गैस में क्या होते हैं, कणों के मध्य की दूरी ज्यादा होती है, कण फैले फैले रहते हैं, अलग अलग दूर दूर पड़े रहते हैं कण, ठीक है। तो जब ये दूर दूर पड़े रहते हैं तो एक दूसरे से टक्कर क्या होगी, इनकी ज्यादा होगी, एक दूसरे से कॉलिजन क्या होगा, ज्यादा होगा, ऐसे 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 सब एक दूसरे से कॉलिजन करेंगे, इसका मतलब उत्पाद ज्यादा बनेगा, टक्कर ज्यादा होगी तो उत्पाद भी ज्यादा बनेगा। अब द्रव के अंदर क्या होता है कि द्रव के अंदर ये होता है कि जैसे कि ये कोई डिब्बा है तो द्रव के जो मॉलिक्यूल है वो सब पास पास में थोड़े से बॉन्ड के द्वारा झगड़े होते हैं, गैस के तो फ्री में घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे जिगजैग मोशन करते रहते हैं, द्रव में क्या होते हैं सब पास पास में इतनी ज्यादा गति नहीं करते गैस की तुलना में। तो इनके मध्य टक्कर होते हैं लेकिन इतनी नहीं होती जितनी गैस में होती, क्योंकि गैस में कण सारे फ्री पड़े रहते हैं। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन गैस की तुलना में कम होगा, गैस में रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा क्योंकि टक्कर सबसे ज्यादा, इसमें टक्कर कम। ठोस के अंदर क्या होगा, ठोस के अंदर तो कुछ फ्री कुछ होता ही नहीं, सब एकदम बाउंड होते हैं, टक्कर होते ही नहीं, बहुत ही कम होती है, 0.00 होती है, बहुत 0.001 की तुलना में होती है, ठीक है। ये तो ऐसे उदाहरण था। तो इसमें देखो गैस की सबसे ज्यादा होगी आर ओ आर का अगर हम क्रम देखें तो गैस में सबसे ज्यादा होगा, फिर होगा द्रव में, फिर होगा ठोस में, ठीक है। गैस में ज्यादा क्यों होगा, इसका रीजन होती है टक्कर, टक्कर ज्यादा तो क्या होगा, उत्पाद भी ज्यादा मिलेगा, तो वेग भी क्या होगा, ज्यादा होगा किसी भी अभिक्रिया का। तो ये है अपना कौन सा, तीसरा फैक्टर अफेक्टिंग। अब पढ़ते हैं हम चौथा फैक्टर अफेक्टिंग क्या होता है, चलो ये डिलीट कर देते हैं। तो जो नेक्स्ट है अपना हुआ है सरफेस एरिया, चौथा पॉइंट है सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो जो कोई भी ठोस होते हैं उनमें क्या होता है, सरफेस एरिया होता है ठोसों का क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। तो देखो ठोस के अंदर जब सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो ज्यादा होगा, उस अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग भी ज्यादा होगा। क्यों होगा वो अभी हम समझते हैं। जैसे कि आपने मिश्री देखी होगी जिसको हम मारवाड़ी में बोलते हैं साकर, हाकर बोलते हैं, वैसे मिश्री होती है, ठीक है, मिश्री यानी कि जो होती है चीनी के जो छोटे छोटे जो हम देखते हैं ना कण, उसको एक मिक्स करके एक बड़ा कण होता है, चीनी बोलते हैं, ज्यादातर हम मंदिरों में वगैरह भगवान को चढ़ाने के लिए लेते हैं। तो वो मिश्री का क्या होता है, एक बड़ा अणु होता है, ठीक है, एक बड़ा मॉलिक्यूल, एक बड़ी संरचना है। अब और एक दूसरी साइड आप ले लो चीनी, जो चक्कर होती है उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कण। अब जब इसको हम वाटर में डालेंगे तो ये लगभग एक घंटा लेगी घुलने में उदाहरण के तौर पे, और जब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े को डालेंगे तो ये 30 मिनट लेगी घुलने में। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर देखो 30 मिनट लग रहे हैं घुलने में, तो इसका वेग ज्यादा हो रहा है अभिक्रिया का, तभी फटाफट घुल जाती है। इसका वेग क्या होगा, ज्यादा, इसका वेग क्या हो रहा है, कम, तभी तो इतनी देर से गुजर रही, समय ज्यादा लग रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब बड़ी होती है जो अपनी जो मिश्री होती है उसमें क्या होता है, जल के अणु है वो इसको चारों ओर के तो घेर लेते हैं जब इसको हम जल में डालते हैं, लेकिन जो ये अंदर वाले जो भाग है, अंदर के जो मॉलिक्यूल्स पड़े हैं इसके, उसको जल नहीं घेर पाते। इसका मतलब इसको जल घेर तो लेते हैं चारों ओर से, तो ये जो इसकी ऊपरी ये जो सतह है वो धीरे धीरे जल के अंदर विलय होती जाएगी, वैसे वैसे छोटा 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 होकर पूरा घुल जाएगा। लेकिन सीने में क्या होता है कि छोटा से छोटा कण होता है, इसी का छोटा से छोटा कण लेते हैं तो जो वाटर होता है उसको पूरी तरह से घेर लेता है, और ये जल्दी से जो वाटर है उसके अंदर विलय हो जाता है। तो इसकी विलयता ज्यादा हो जाती है, फटाक से घुल जाता है, यानी कि फटाक से घुलेगा तो इसका वेग भी क्या होगा, ज्यादा, और ये देरी से घुलता है इसका मतलब इसका वेग क्या है, कम। इसका मतलब
कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ठोसों का, पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर ज्यादा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है तो आर ओ आर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, यहाँ पर देखो केवल ऊपरी ऊपरी पृष्ठ पे ही जल के अणु आ पाते थे, यहाँ पर सारे आ सकते। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ, जैसे कि मेरे मार्कर है, ठीक है, ये मेरा एक पूरा एक मार्कर है, इसको मैंने रंग किया, इसके ऊपर पेंट किया, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन कौन से कम होंगे? एक तो ये जो गोल वाला दिख रहा है आपको, यहाँ पर कलर होगा और यहाँ पर कलर होगा, और एक इस भाग में कलर होगा, इस भाग में कलर होगा। तो कितनी जगह कलर होगा? एक तो इस वक्र पृष्ठ पे कलर होगा पूरे पे ऊपर, और एक और ये दो वृत्ताकार सिरे, दोनों तीन भागों पे कलर हो पाए ना। ये तो था अपना बड़ा अणु। अब इसको मैंने क्या किया, एक टुकड़ा कर दिया इसका, ये हो गया टुकड़ा, हो गया ना टुकड़ा। अब इसके कितने क्षेत्र पर कलर हो सकता है? एक तो वक्र पृष्ठ पे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, कितने? तीन जगह पे इस पे हो सकता है और तीन जगह पे इस पे भी हो सकता है, छह जगह पे हो रहा है। और पहले जब ये एक साथ बाइंड था तो कितनी हो रही थी? तीन जगह पे हो रहा था, अब कितना हो रहा है? पहले कितना था देखो, एक दो और तीन, तीन थे, अब कितने हो रहे? छह हो रहे। यानी कि जब छोटे छोटे कण होते हैं तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ज्यादा होता है। तो जब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होता है। समझ गए आप? तो अब हम नेक्स्ट फैक्टर लेते हैं। अब अपना एक लास्ट और फैक्टर बचा है, उत्प्रेरक। क्या है उत्प्रेरक? देखो उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक क्या होते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम एक ऐसा बाह्य पदार्थ मिला देते हैं जिससे अभिक्रिया का वेग है वो परिवर्तित हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक बोलते हैं। अब उत्प्रेरक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव उत्प्रेरक क्या होते हैं? अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, और नेगेटिव उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को सामान्यतः घटाते हैं। तो अगर पॉजिटिव उत्प्रेरक अभिक्रिया के अंदर हम डाल देते हैं तो वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा। वेग पर क्या डिपेंड करेगा? वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा। अब कैसे बढ़ाता है कि जो जब भी कोई रिएक्शन है, जैसे कि एक रिएक्शन है कोई, उसके यदि हम जब ग्राफ देखते हैं तो वो कुछ इस प्रकार का मिलता है हमें। तो देखो ये ग्राफ बनाते हैं ऐसे ही नॉर्मल, जैसे कि अपना यहाँ पर पड़ा है अभिकारक, ठीक है, यहाँ पर क्या है? अभिकारक। अब कोई भी रिएक्शन हो रही है ए से बी, पहले कोई इसके अंदर कैटलिस्ट नहीं था, उत्प्रेरक नहीं था, तब रिएक्शन कैसे हो रही थी कि रिएक्शन में कुछ अभिकारक है वो धीरे 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 रिएक्शन करके उत्पाद के अंदर ऐसे कन्वर्ट हो रहे थे, यहाँ पर था अपना उत्पाद, ठीक है, ये अभिकारक ये उत्पाद, ये लाइन नीचे है ये ऊपर, ऐसा कि अभिकारक अनस्टेबल होंगे तभी तो उत्पाद बनाते हैं, ये अनस्टेबल है इसलिए इसकी जो यहाँ हम स्थिति ऊर्जा ले लेते हैं, ठीक है, ये स्थिति ऊर्जा है। तब देखो यहाँ पर इसकी स्थिति ऊर्जा क्या है? ज्यादा है, इसका मतलब भी थोड़ा अनस्टेबल है, इसकी कम है इसका मतलब भी स्टेबल है। तो देखो पहले जो थी रिएक्शन बिना कैटलिस्ट, यहाँ पर जो ये इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है, इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, इस पोर्शन को भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक्टिवेशन सक्रिय सक्रिय ऊर्जा जो है वो कहाँ है? विदाउट है कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है, उत्प्रेरक के बिना इस अभिकारक को इतनी ये जो इतनी दूरी पार करेगा फिर उत्पाद बनेगा। यहाँ पर देखो इसकी ऊर्जा है ना, जो ऊर्जा वो इतनी हो रही है यहाँ पर, इतनी ज्यादा है, ठीक है। अब जब जैसे ही हमने इसके अंदर कोई उत्प्रेरक डाला कुछ भी, तो क्या होगा? देखो तो सेम के सेम ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, इसका जो रास्ता है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। पहले एक हार्ड पथ था, अब एक सिंपल पथ बन गया, सिंपल रास्ता बन गया। तो अब यहाँ पर एनर्जी क्या होगी? एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, जो ये जो एनर्जी है वो क्या है? विद कैटलिस्ट है, ठीक है, विद कैटलिस्ट उत्प्रेरक के साथ। जब उत्प्रेरक डालेंगे तो इसकी एनर्जी है वो लो हो जाएगी, इसका मतलब कि अभिक्रिया फास्ट हो जाएगी, इसका आर ओ आर है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही हमने उत्प्रेरक डाला तो आर ओ आर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये अभिक्रिया के पथ को क्या कर देता है? एक सिंपल बना देता है, यानी कि उसकी सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है, जिसके कारण आर ओ आर है वो बढ़ जाता है। तो ये था आज का लेक्चर, और इसके अंदर जो पॉइंट थे वो सारे हो गए हैं। अगर और भी कोई रह गया है तो देख लेते हैं एक बार। एक और होता है कि विकिरण प्रभाव होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, उसमें क्या होता है कि कोई रिएक्शन जब ऐसी होती है जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, वे रिएक्शन जो प्रकाश की उपस्थिति यानी कि एच म्यू की उपस्थिति में होती है, उनमें जब प्रकाश की तीव्रता अगर ज्यादा होगी, तीव्रता प्रकाश की ज्यादा होगी तो क्या होगी? फोटोन जो होंगे उसके,
फोटोन की संख्या भी उसके ऊपर ज्यादा आपतित, प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होने पर फोटोन ज्यादा आपतित होंगे, जिसके कारण भी उसका जो अभिक्रिया का वेग है वो बढ़ जाएगा। यानी कि जो एच म्यू की प्रेजेंस, जो एच म्यू प्रकाश की उपस्थिति में जो रिएक्शन होती है, उनका जो प्रकाश की तीव्रता उसमें जितनी ज्यादा होगी उतनी उसकी आर ओ आर ज्यादा होगी, क्योंकि फोटोन उसमें ज्यादा होंगी। तो ये था आज का टॉपिक, आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना और आगे से आगे शेयर कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।